A very good morning one and all. My name is Lokesh Nagar and welcome to Start Growing YouTube channel. देखते हैं एक नंबर के करंट अफेयर साथ में उसके जी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. पहला क्वेश्चन संबंधित है राष्ट्रीय एकता दिवस. अभी हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया. कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को ये मनाया गया. ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र एकता की प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित करी गई. कौन सी प्रतिमा? एकता की प्रतिमा, यूनिटी ऑफ स्टैचू देश को समर्पित की गई. और ये प्रतिमा है किसकी प्रतिमा है? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि देश को समर्पित की गई. और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया. बात करते हैं इसको किसने बनाया, तो इसको बनाया राम वी सुतार ने. इसको बनाया एक जो कि एक शिल्पकार है. किसने बनाया? राम वी सुतार ने. बात करते हैं राम वी सुतार को 2016 के लिए टैगोर पुरस्कार भी मिला है. कौन सा पुरस्कार? टैगोर पुरस्कार, जो कि अपने पिछले वीडियो में अपन ने बोला था. बात करते हैं राम वी सुतार को पद्म विभूषण भी मिल चुका है. अब बात करते हैं एकता की प्रतिमा की, स्टेचू ऑफ यूनिटी की, तो कितने मीटर लंबी है? यह है 182 मीटर लंबी है और फिट में बात करें तो 597 फिट लंबी है. ठीक है, बात करते हैं ये किसकी प्रतिमा? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है. बात करते हैं कहाँ पर ये स्थापित की गई है, तो स्थापित की गई है गुजरात में. और गुजरात में कहाँ पर? तो नर्मदा नदी के नदी में जो साधु बेट एक आइलैंड है, साधु बेट, वहाँ पर इसको बनाया गया है. ठीक है, और बात करते हैं ये किसके कौन से बांध के पास में है, तो सरदार सरोवर बांध के ये पास में बनाई गई है. और इसकी लागत कितनी आई है? तो इसकी लागत आई है 2989 करोड़ इसकी लागत आई है. बात करते हैं ये दुनिया की सबसे लंबी स्टेचू है, सबसे लंबी प्रतिमा है, सबसे लंबी है. और बात करते हैं किसने बनाया, तो इसको बनाया L&T कंपनी ने, इसको बनाया है और डिज़ाइन किया है राम वी सुतार ने, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ. बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किन किन नामों से जाना जाता है? भारत का बिस्मार्क भी बोलते हैं इनको, भारत का आयरन मैन भी इनको बोला जाता है. ठीक है, बात करते हैं ये कौन से गेम के खिलाड़ी थे, तो इनको ताश का गेम काफ़ी पसंद था, तो उसके खिलाड़ी थे. कौन सा गेम? ताश का, ब्रिज का गेम इनको काफ़ी पसंद था. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. यह है प्रतिमा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में बनाई गई है. और बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी. और बात करते हैं वहाँ के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली. ठीक है, बात करते हैं इटली की. अभी हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री भारत के एक दिवसीय दौरे पर आए हैं. कहाँ के प्रधानमंत्री? इटली के प्रधानमंत्री. बात करते हैं इटली के प्रधानमंत्री की, तो इटली की देखते हैं. इटली की राजधानी है रोम, यहाँ के प्रधानमंत्री है गियुसेपे कोटे, यहाँ के प्रधानमंत्री है और मुद्रा यहाँ की यूरो है. ठीक है, ये होगी अपनी इटली की डिटेल. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन संबंधित है भारत मोबाइल कांग्रेस. अभी हाल ही में भारत मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई? ये आयोजित करी गई दिल्ली में. कहाँ पर करी गई? दिल्ली में आयोजित करी गई. और कितने दिवसीय थी? 3 दिवसीय थी. और कितने देशों ने इसमें पार्ट लिया? तो पार्ट लिया इसमें 20 देशों ने इसमें भाग लिया. बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन बताते व्हाट्सएप एंड CII. अभी हाल ही में SME उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए व्हाट्सएप तथा CII ने साझेदारी करी. किसको प्रशिक्षित करने के लिए? SME उद्यमियों को, SME उद्यमियों को. ठीक है, अभी SME एक टर्म आई है, तो बात करते हैं SME. तो SME की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इस SME की फुल फॉर्म है. इनको प्रशिक्षित करने के लिए व्हाट्सएप और CII ने साझेदारी करी है. अब यहाँ पे CII की फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो CII की फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. व्हाट्सएप और CII ने मर्जर करके SME उद्यमियों को प्रशिक्षित करेगी. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन संबंधित है जर्मनी के चांसलर. अब जर्मनी के चांसलर कौन है? तो जर्मनी के चांसलर है एंजेला मोरकल, जर्मनी की चांसलर है. तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि ये चांसलर पद से 2021 में इस्तीफा देगी. कौन से कब देगी? 2021 में चांसलर पद को छोड़ देगी ये 2021 में. और कब से है चांसलर पद पर ये? सन 2000 से अब तक 2021 तक चांसलर पद पर रही है. कौन रही है? एंजेला मोरकल, जर्मनी की चांसलर है. ठीक है, अब बात करते हैं जर्मनी की. तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो. ठीक है, और चांसलर का नाम मैंने बता चुका हूँ एंजेला मोरकल. चलते अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन बताइए था संजय कुमार मिश्रा. अब हाल ही में ED के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया. अब ED के प्रमुख किसको नियुक्त किया? संजय कुमार मिश्रा को. अब ED की फुल फॉर्म क्या है? तो ED है इन्फोर्मेंस डायरेक्टर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी प्रवर्तक निर्देशालय. इनका इसके प्रमुख किसको नियुक्त किया? संजय कुमार को.
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देते हैं अनुपम खेर। अब हाल ही में अनुपम खेर को FTII के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अनुपम खेर ने FTII के पद से इस्तीफा दिया है, वहाँ पर अध्यक्ष है FTII से, वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पे FTII की फुल फॉर्म क्या है? तो FTII की फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन यहाँ पर ये अध्यक्ष पद में थे, यहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बताते हैं DSTCII टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन। वह हाल ही में नीदरलैंड देश ने 25वें DSTCII टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन में भागीदार होगा, किसके साथ? भारत के साथ। भारत के साथ नीदरलैंड 25वें DSTCII टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन में 2019 में भागीदार होगा। कौन सा देश होगा? नीदरलैंड देश भारत के साथ भागीदार होगा। ये घोषणा किसने करी है? तो घोषणा करी है विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हर्षवर्धन ने यह घोषणा करी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह घोषणा करी है कि जो नीदरलैंड है भारत के साथ भागीदार होगा 25वें DSTCII टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन 2019 के लिए। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बताते हैं सोवरेन ब्लू बॉन्ड। अब सोवरेन ब्लू बॉन्ड क्या है? सोवरेन ब्लू बॉन्ड कुछ नहीं है, एक टिकाऊ समुद्री एवं मत्स्य पालन परियोजनाओं को समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई योजना है। किससे संबंधित है? समुद्री एवं मत्स्य पालन परियोजना के लिए इसको बनाया गया है। बात करते हैं इसको किसने बनाया है। इसको बनाया है सेशल्स ने। सेशल्स देश ने विश्व की पहली सोवरेन ब्लू बॉन्ड योजना को शुरुआत करी है। ठीक है, कौन से देश ने? सेशल्स ने। अब बात करते हैं सेशल्स की। तो सेशल्स की जो राजधानी है वो विक्टोरिया है, यहाँ की मुद्रा है सेशल्स रुपया, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो राष्ट्रपति का नाम है डेनी फोर, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं दसवें क्वेश्चन के। दसवें क्वेश्चन में मलाला यूसुफजई, सभी जानते हैं मलाला यूसुफजई कौन है। अभी इन्हीं को हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ग्लिट्समैन पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? ग्लिट्समैन पुरस्कार इनको दिया गया है। किनको? हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मलाला यूसुफजई को। बात करते हैं मलाला यूसुफजई को, तो मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है शांति के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार? नोबेल प्राइज़, जो कि बहुत बड़ी बात है, शांति के क्षेत्र में मिला है मलाला यूसुफजई को, जो कि सबसे कम उम्र आयु में इनको मिला है। अभी तक किसी को इससे कम उम्र की आयु में नहीं मिला है नोबेल प्राइज। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है मलाला यूसुफजई। अगला क्वेश्चन संबंधित है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अभी हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। तो कौन से न्यायाधीश हैं? जस्टिस AS बोपन्ना ने यह शपथ ली है। किसने? जस्टिस AS बोपन्ना ने शपथ ली है, जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन थे 2+2 संवाद। अभी हाल ही में अमेरिका के अतिरिक्त जापान देश ने भारत के साथ 2+2 संवाद स्थापित करने के लिए सहमति दी है। अमेरिका के अलावा कौन से देश ने दी है? जापान देश ने। तो आइए बात कर लेते हैं जापान देश की। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ के प्रधानमंत्री है सिंजो आबे, यहाँ के जो सम्राट है वो है अकीतो। बात करते हैं मुद्रा, तो मुद्रा है येन। आप मे में देख सकते हो जापान को अच्छे से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं अग्नि फर्स्ट। अभी हाल ही में अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया है। किसका किया गया? अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया। और बात करते हैं अग्नि फर्स्ट की क्वालिटी क्या है, तो अग्नि फर्स्ट की क्वालिटी है 700 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भी भेज सकती है। 700 किलोमीटर दूर जो लक्ष्य उसको भी भेज सकती है अग्नि फर्स्ट। इसका सफल परीक्षण किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देते हैं दक्षिण ध्रुव में स्थायी हवाई अड्डा। अब दक्षिण ध्रुव में स्थायी हवाई अड्डा कौन सा देश निर्मित करेगा? तो देश करेगा वही चीनी है जो ऐसे कारनामे करता है। तो चीन देश दक्षिणी ध्रुव में स्थायी हवाई अड्डा निर्मित करेगा। अब बात करते हैं चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, मुद्रा रेनमिन है। सभी जानते हैं, मैं बहुत सी बार बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आपके रिवाइज करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको। ठीक है, आप वीडियो को शेयर किया करो जरूर अपने दोस्तों से, ताकि वो भी अपने चैनल से जुड़ सके। और साथ में इंग्लिश के वीडियोज़ में डाल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल न्यूज़ से पढ़ा रहा हूँ, तो आप उनको जरूर देखें, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे। मैं आगे भी धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, पूरा इंग्लिश कवर करूँगा, तो आप शुरू से देखिए इंग्लिश को, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग अभी कल ही जारी हुई है। तो अभी रैंकिंग करनी, तो भारत की रैंकिंग क्या आई है? तो भारत की रैंकिंग थी 77 नंबर पर, भारत पहुँचा है 77 नंबर पर, बहुत बड़ी बात है। पिछले साल कहाँ पर था? पिछले साल 100वें नंबर पर था, अभी 77 नंबर पर पहुँच चुका है। काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, 77 नंबर भारत की रैंकिंग है। और सबसे ऊपर कौन है? पिछले साल भी नीदरलैंड था और इस साल भी नीदरलैंड ही है।
फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और भारत की रैंकिंग पूछ जाती है। फर्स्ट में है नीदरलैंड और भारत की रैंकिंग है 77, बार बार बोल रहा हूँ 77, भारत की रैंकिंग है 2018 की, 2017 की थी, 100वें नंबर पर भारत था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपने एक नंबर के करंट पे साथ में उनके जीके काफ़ी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें वो बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को जो वीडियो जो उनको सारों सबको देखें, इंग्लिश के वीडियोस को भी जाके देखें। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इंग्लिश के वीडियोज़ में, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल हैं आपको। उनको पूरा देखोगे तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ पूरा उस 15 मिनट का जो वीडियो उसमें पूरा कवर हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कितना अच्छे से समझा रहा हूँ, एकदम मस्त वाले ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ उसको, इंग्लिश को, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।